कॉरिडोर खोलने को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने कॉरिडोर मुख्य मार्ग पर करवाया कीर्तन और की अरदास। वहीं अरदास उपरांत विक्रम सिंह मजीठिया ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आज समुची संगत गुरु नानक नाम लेवा संगत श्रोमणी अकाली दल दे सारे लीडरशिप वर्कर साहिबान अज इकट्ठे हुए सी और गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दे चरणा च यह अरदास बेनती की है कि गुरु कृपा करन ये जेड़ा लांघा 70 साल की जिहड़ी अरदास सी पिछले साल जिहड़ी सुनी गई सी गुरु महाराज ने कृपा की सी कि जिथे गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह करतारपुर साहब जाके लम्मा समा उन्होंने किरत करना नाम जपना वंड छकनी जिहड़ा ये संदेश सी उत्थे लम्मा समा आपदे चरण उन्होंने पाए और ये होका सारी दुनिया च दिता और सब गुरु नानक नाम लेवा संगत की साड़ी रोज़मर्रा की अरदास रहिंदी सी कि गुरु कृपा करन कि ये लांघा खोले। पिछले साल 550 साल गुरपुरब तो पहला बहुत धूमधाम नाल सत्कार नाल बड़े श्रद्धा नाल बड़े प्यार नाल ये लांघा खोलिया। अज भी जे असी इत्थे इकट्ठे होए हैं ये अरदास बेनती लैके गुरु के चरणा च आए हैं कि गुरु कृपा करन सरकारां नूं समत बख्शिश करन हिम्मत बख्शिश करन कि जिहड़ा क्योंकि गुरपुरब फिर आ रहा अगले महीने और हर संगत दी दिलों बच्चे बच्चे दी ये अरदास है कि असी करतारपुर साहब जा सकीए उस धरती नूं नतमस्तक हो सकीए जिथे 32 वाई गुरु नानक साहब महाराज आप कीती है जिथे उन्होंने नाम जपण की कृपा संगतां ते कीती है कि नाम जपो वंड छको किरत करो उत्थे जाके असी उस धरती नूं नतमस्तक हो सकीए गुरु साहब दीआं खुशियां लैके आ सकीए। सो अज मजीठिया साहब लगदा नहीं थोड़ी देरी हो गई अरदास करन च जी, पहलां ही कर लेनी चाहीदी सी कि भाजपा नाल गठजोड़ टुट्टिया फिर अरदास करन दी याद आई है। इस तरह है जी कि चलो तुसी पत्रकार वीरां दा थोड़ा आपदा एक तिरछी नज़र हुंदी है तुसी जिहड़ी मर्जी नज़र रखो ये हुण अज ये पॉलिटिक्स तो उत्ते है क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने आ 2-4 दिन पहला ही उन्होंने अपने वालों इस गल की मंजूरी देती है कि साडे वालों रस्ता खुला तो सुभाविक है क्योंकि दो देशों की गल है जब उधरों खुल गया तो फिर इतों देरी नहीं होनी चाहिए। और वड्डी गल कुछ दिन पहला ही खबर लगी है कि सारे गुरधाम जिवें मक्का मदीना वो भी अज तो 2-4 दिन पहला ही खुल्या और जब अज हिंदुस्तान च साडे देश च भारत देश च सारी गुरधाम हर धर्म नाल संबंधित ये गुरधाम खोलते गए हैं फिर जे हर गुरधाम खोलते गए है तो फिर इस गुरधाम के रस्ते नूं भी जल्द तो जल्द खोलना चाहिए। इहदे च किसी तरीके की पॉलिटिक्स नहीं। हाँ ये जरूर है मैं समझदा कि जो अजकल जो हालात बने हैं जिहड़ा उत्थे जाके नतमस्तक होगा उन्हें अरदास तां इक्को करनी आ नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला इसलिए सरबत दे भले की अरदास संगत ने जाके उत्थे करनी आ और जिथे गुरु साहब ने आप खेती नूं बहुत वड्डी मैं समझदा बख्शिश कीती आप वो मेहनत कीती हती जिथे 13-13 दा होका दिता जिथे सर्व सांझी वालता दा होका दिता जिथे भाईचारिक सांझ दा होका दिता जिथे अब्बल लल्ला नूर पाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सबजक उपजिया कौन भले कौ मंदे इसलिए वो थां दे दर्शन दे दार संगत लोचदी और गुरु कृपा करे कि सरकारां ते हिरदे ते बह के उन्हां नूं समत बख्शिश करन कि रस्ता खुल जावे अगले महीने गुरपुरब ज्योति जोत दिवस ही पिछले महीने बीते महीने जरा ज्योति जोत दिवस ही उदों भी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी कहा कि ये पहली बार होगा कि एक जत्थे दे विच इधरों संगत सद्दी आऊगी उदों भी ये प्रवान नहीं हुई है अज तुसी अरदास कर मैं ही बेनती कर रहा जी कि चलो उदों साडे देश च कई हले लॉकडाउन की प्रक्रिया ला ये जिहड़ा हुण पिछला लॉकडाउन खुलिया वो नहीं खुले गए सी इसलिए उस वेले मानता सब दे सी कि खुल जे मगर हुण तां सारे खुल गए आ हर गुरधाम ऑल ओवर द वर्ल्ड खुल गए आ और अपने देश च भी खुल गए आ किसी तरीके की पाबंदी नहीं रही है और गुरपुरब आ रहा क्योंकि पिछले साल भी गुरपुरब नूं मुख रखदिआं सरकारां दा जोर लग्गिआ सी दोवें पासे कि खुल जाण
ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰਧਾਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੁਣ ਜਲਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਪਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ? ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਧਾਮ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਨੀਵਾਂ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕਿ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਉਹ ਬੜਾ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਨ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੱਲ ਚੰਗੀ।